हेलो, रात के भी 9 बज रहे हैं और ये पनीर चिल्ली बनाने के लिए आज तैयारी कर ली हूँ। तो ये प्याज कैप्सिकम वगैरह काट ली हूँ और इसमें थोड़ा सा लहसुन डालूँगी और थोड़ा सा अदरक। और ये ले आए हैं पनीर, यहाँ पे पनीर को भी अभी क्यूब्स में इसको काट के ले लूँगी मैं अपने हिसाब से और फिर चलती हूँ और किचन के। करोगे? बारिश ही इतना है, बारिश में अब थोड़ी ना अच्छा नहीं मिला तो नहीं लाना चाहिए। चाय पी लो, चाय को पी लो, उसके बाद तुम गाड़ी वाले रखना गैरेज में। मैं तुलसी उलसी डाल के अच्छे से बनाई हूँ। आओ, मिठाई भी यहीं का यहीं रखा है, खाई नहीं मैं, एकदम ठंडा लग रहा था। चाय पियो और पिए? मैं एकदम थोड़ा सा पी, बहुत कम टाइप से नहीं, ऐसी मेरे को मन ही नहीं था चाय पीने का, एकदम कम पी हूँ। वो चार्जर काम दिया? चार्जर काम दिया, अब डाटा केबल लेकर आया। अभी डाटा केबल ही काम दिया वो, मतलब ये सही है उसका नहीं? इतना ही सब्जी लाए, बारिश भी इतना है ना, पूरा कीचड़ ही कीचड़ है, घुटना भर कीचड़ है। वही तो, इसमें क्या भिंडी है? हाँ, भिंडी, गोभी, बस आलू, टमाटर, अच्छा धनिया मिर्ची बोला भाजी। क्या था परवल में? परवल बहुत बड़ा बड़ा था, परवल अच्छा पका हुआ था, परवल दो जगह था। हाँ तो वैसे भी ना बड़ा साइज वाला परवल अच्छा नहीं लगता है, नहीं लाना चाहिए। परवल अगर चाहिए ना तो वही वाला अच्छा लगता है, जो देसी वाला रहता नहीं है वही, बड़ा बड़ा वाला जल्दी पक भी जाता है। पाइनएप्पल का मौसम है। तो एक पाइनएप्पल ले आते, खाते हो, उसमें क्या है, ले आना था। तो यहाँ पे मैं क्या की हूँ, कॉर्नफ्लोर लगा के जो पनीर होता है उसको फ्राई कर ली हूँ और फ्राई करके पनीर को रख ली हूँ और पनीर फ्राई हो गया है। और जिस कढ़ाई में ऑयल था तो उस कढ़ाई से मैं ऑयल दूसरे में शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को पनीर चिली बनाना है। और इस कढ़ाई में मैं बस फ्राई ही करती हूँ, सब्जी वगैरह दूसरे कढ़ाई में बनाती हूँ। तो वो कढ़ाई रख ली हूँ और उसके बाद मैं जहाँ पे कैप्सिकम वगैरह है उसको फ्राई करूँगी। और यहाँ पर मैं अभी कैप्सिकम डाल रही हूँ और कैप्सिकम के साथ साथ यहाँ पे मैं थोड़ा सा करी पत्ता भी यूज़ करती हूँ, मेरे को करी पत्ता अच्छा लगता है तो यहाँ पे करी पत्ता भी डाल ले रही हूँ और इसको साथ में फ्राई कर ले रही हूँ। तो कैप्सिकम को मैं ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी, तब तक ही करूँगी जब तक कैप्सिकम नरम हो जाए तब तक ही। तो यहाँ पे जो कैप्सिकम है वो सैलो फ्राई हो गया है, ज़्यादा उसको फ्राई नहीं की हूँ। और यहाँ पे ओनियन की जो कलियाँ वगैरह है वो निकाल के रखी थी मैं अलग अलग, और उसको एक साथ मिक्स कर दे रही हूँ। और इसको भी ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है तो इसको कम फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं अदरक लहसुन को थोड़ा सा खलबट्टा में क्रश की थी तो वो भी इसमें डाल दे रही हूँ। और जब भी आप बनाओगे पनीर चिल्ली तो इसमें अदरक लहसुन थोड़ा सा डालोगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसको डालने के बाद थोड़ा देर के लिए उसको छोड़ दूँगी। और मेरी आदत है, मैं किचन में एक टॉवेल रखी रहती हूँ और जैसे हाथ धोने के बाद मैं उसमें पोंछ लेती हूँ क्योंकि बाथरूम के पास एक अलग टॉवेल रखा रहता है। और यहाँ पे क्योंकि खाना वगैरह बनता है तो मिर्च वगैरह यूज़ करती हूँ तो इस वजह से यहाँ पर अलग टॉवेल रखी रहती हूँ। और यहाँ पे मैं खाना बनाते बनाते अपनी मम्मी से बात कर रही थी तो मम्मी का कॉल आया था। और यहाँ पे मैं सोया सॉस डाल रही हूँ अभी क्योंकि बाकी जो है ओनियन और कैप्सिकम वो पक गया है तो सोया सॉस डालूँगी और उसको ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी डालने के बाद। तो सोया सॉस थोड़ा सा ही डालना है इसमें।
और इस तरह से मैं काम करते करते भी कभी कभी बात कर लेती हूँ। और यहाँ पे अभी ग्रीन चिली सॉस भी डाल रही हूँ थोड़ा सा, तो इससे क्या होता है ना, फ्लेवर अच्छे से आता है। तो ये थोड़ा सॉस थोड़ा जम गया था फ्रिज में रखी थी तो इस वजह से। और यहाँ पे जब मैं खाना बना रही थी तो मेरे हस्बैंड आ गए और वो देख लिए कि यहाँ पे मैं पनीर फ्राई करके रखी हूँ, तो उनको खाने का मन हुआ होगा तो वो खा रहे हैं। और मैं वीडियो डालने के टाइम भी ये देखी कि ये पनीर खाए हैं बोल के ध्यान नहीं दी थी। और उसके बाद मैं केचप डाल दी हूँ, और केचप डालने के बाद ये मेरे को बोले कि आप मम्मी से बात कर लो, मैं थोड़ा सा खाना बना देता हूँ। तो उसके बाद मैं रेड चिल्ली पाउडर थोड़ा सा डाली, क्योंकि इसमें जो जो मैं सामान डाली हूँ वो तो मेरे को ही पता है, तो इस वजह से डाल दी मैं। और अभी मेरे को पूछ रहे हैं कि थोड़ा सा और केचप डाल दें क्या, क्योंकि थोड़ा सा और ज़रूरत है, तो थोड़ा सा केचप डाल दी। और इसके बाद ये इसमें अभी पनीर डाल देंगे। तो मैं हमेशा से देखी हूँ ये, क्योंकि अच्छी आदत है, अगर मैं किसी भी फैमिली मेम्बर से बात करती रहूँ, अगर कभी किसी का कॉल आ जाए या फिर कभी मेरे को अच्छा ना लगे, मेरा तबीयत अगर ख़राब हो जाए, क्योंकि आज थोड़े मेरे कमर में दर्द है, तो ये हमेशा हेल्प करने की कोशिश करते हैं अपने हिसाब से जितना उनसे होता है। तो यहाँ पर ये रोटी पका रहे हैं, पहले इनको बिल्कुल भी नहीं आता था, फिर जैसे मैं रोटी पकाती थी तो ये देखते रहते थे और देख देख के ही इनको आता है। तो अपने घर में काम करना कोई गलत बात नहीं है, गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं जो भी हैं सबको काम करने आना चाहिए, क्योंकि हर दिन तो कोई किसी का हेल्प नहीं कर सकता है। तो जैसे कभी कभार कोई अगर बीमार पड़ गया दोनों में से एक, तो कम से कम ये रहता है कि कोई एक जो है वो खाना बना ले, तो इस वजह से। और ये ज़रूरी भी है, और कब तक से बाहर का खाना खाओगे, तो घर का हेल्दी खाना खाना भी ज़रूरी है। और इनके लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो डिनर बनने के बाद यहाँ हम लोग साथ में बैठ के डिनर कर रहे थे, और डिनर करते करते कुछ कुछ ऐसे ही जो दिन भर की कुछ कुछ बातें वगैरह रहती है बातें कर रहे थे। और यहाँ डिनर करते करते मेरे को बहुत हिचकी आ गया था, क्योंकि थोड़ा मिर्च हो गया था, तो बना अच्छा था पर मिर्च हुआ था, तो इस वजह से पानी पी ली। हेलो, गुड मॉर्निंग। और जो कल रात को सब्जी लेके आए थे वो पूरा बारिश में क्योंकि भीगा हुआ था तो उसको फैला के रख दी थी, और अभी उसको फ्रिज में रखी हूँ। और ब्रश वगैरह भी कर ली हूँ, नाश्ता नहीं हुआ है मेरा, तो देखती हूँ एक अंडा बचा हुआ है तो सोच रही हूँ अंडा मैगी बना लेती हूँ।